हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम NCVAP और SOL के एडमिशन के बारे में बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के इनके एडमिशन ऑलरेडी ओपन हैं, उसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं। और आज हम बात करेंगे कि इन दोनों ही ब्रांचेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्सेज के एडमिशन कब से शुरू हो सकते हैं और उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप CBSE क्लास 8 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट हो तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट कर रहा है, जिसमें आप 45 दिन का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 रुपये में ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन के बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। आप 24/7 उनसे अपने डाउट पूछ सकते हो। आपकी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो, लाइक आप क्लास 12 के बाद कौन सा कोर्स करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको जो भी काउंसलिंग चाहिए उसमें आप पार्टिसिपेट। और हाँ, इसमें शेड्यूल का बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जिस भी शेड्यूल में सूटेबल हो, लाइक आप स्कूल से घर आते हो, जिस भी टाइम आप फ्री रहते हो उस टाइम आप अपने डाउट पूछ सकते हो। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश में, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में भी आप अपने डाउट इसमें पूछ सकते हो। आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन चाहिए अपने डाउट पूछने के लिए, तो आप मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी की मदद से अपने जो डाउट हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ वो पूछ सकते हो। इसमें आपके लाइव टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, जिस मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो। बिकॉज और भी स्टूडेंट हैं, और भी कैंडिडेट हैं जो आपके साथ साथ लाइव मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जिनके साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और साथ साथ जो भी आप कोर्स परचेज करोगे उसका लर्निंग मटेरियल PDF फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा आपकी डिटेल एनालिसिस, आपके परफॉर्मेंस की डिटेल एनालिसिस, डिटेल रिपोर्ट भी आपको दी जाएगी। ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल में, जो कि सिर्फ 299 रुपये का है। और हाँ, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो AMEEN10, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उस एडिशनल डिस्काउंट की मदद से ये जो कोड है, ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये 270 रुपये का आपका हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इनरोल कर सकते हो। थैंक यू। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डाउट जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, वो डाउट ये है कि क्या NCVAP और SOL में UG कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए भी एंट्रेंस देना होगा। नहीं, आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना है। इन दोनों ही ब्रांचेस में लास्ट ईयर तक जिस प्रोसेस से एडमिशन होते थे, सेम वही प्रोसेस इस साल भी चलेगा। अब लाइक हम NCVAP की बात करें, तो NCVAP में दो कोर्सेज ऑफर होते हैं, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम। तो ये DU की वेबसाइट है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन वाली। इस वेबसाइट पर पिछले जो 3 हफ्ते पहले ही बता दिया था इन लोगों ने कि ये NCVAP के एडमिशन कब से ओपन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं आता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये आप देख सकते हो एक पॉपअप यहाँ पर वेबसाइट पर ऑलरेडी गिवन है कि ऐसे कैंडिडेट जो NCVAP में एडमिशन लेना चाहती हैं वो इस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगी, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 1 मई 2022 से शुरू होंगे। ठीक है, इस लिंक से आपको फॉर्म भरना है। फ़िलहाल ये लिंक वर्क नहीं करेगा क्योंकि 1 मई 2022 से ये फॉर्म ओपन होंगे। इसके बाद हमारी बारी आती है यार, SOL में कब से शुरू होंगे एडमिशन। देखो, SOL का एडमिशन क्राइटेरिया भी सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा, अभी मैं दोनों का थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एडमिशन क्राइटेरिया बता दूंगा। SOL के जो एडमिशन होते हैं वो जनरली क्या, हर बार क्लास 12 के रिज़ल्ट आने के बाद ही होते हैं। बिकॉज SOL में ऐसा नहीं होता कि पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो फिर कट ऑफ वगैरह आएगी, नहीं। SOL में डायरेक्टली आपसे एडमिशन फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाते हैं। तो SOL के जो एडमिशन है, आप ये मानकर चलो CBSE क्लास 12 के रिज़ल्ट से पहले नहीं हो सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग अगस्त या सितंबर से पहले SOL के एडमिशन नहीं शुरू होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के। वहीं NCVAP के एडमिशन एज आई सेड की 1 मई से शुरू होते हैं, और पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद कट ऑफ आती है और उस कट ऑफ के बेसिस पर इसमें एडमिशन होते हैं। वहीं SOL में कोई भी कट ऑफ नहीं आती। SOL में मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, तो आप SOL में एडमिशन ले सकते हो। SOL में कोर्सेज होते हैं आपके BA प्रोग्राम, ठीक है, और BCom प्रोग्राम, अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स। ये 5 कोर्सेज SOL में ऑफ़र किए जाते हैं।
जो एनसी वेब है जिसमें बीए एंड बीकॉम कोर्स ऑफर किया जाता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्लास 12 में पास होना कंपलसरी है। जो बच्चे अपीयरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा एनसी वेब में एडमिशन आपकी कट ऑफ के बेसिस पर चलेंगे, आपके बेस्ट ऑफ फोर के मार्क्स के बेस पर एनसी वेब में एडमिशन हो सकते हैं। इसके अलावा एनसी वेब में सिर्फ वही कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं जो दिल्ली रेजिडेंस की हों और जो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट हों। तो दिल्ली डोमिसाइल की गर्ल्स स्टूडेंट ही एनसी वेब में एडमिशन ले सकती हैं। 12 की बात करें तो एसओएल में कोई कट ऑफ के बेस पर एडमिशन नहीं होते, बस एसओएल ने कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर चाहे एसओएल में 1000 बच्चे भी एडमिशन ले रहे हों, 1,00,000 बच्चा भी एडमिशन ले रहा हो, सभी का एडमिशन हो जाता है। बस आपके इतने मार्क्स होने चाहिए जितने यूनिवर्सिटी ने बता रखे हैं। अब वो कितने बता रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, याद रखिए बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, तो क्लास 12th में आपके 40% मार्क्स हो अगर आप जनरल से हों, एससी एसटी से हों तो मिनिमम पासिंग मार्क्स हों, ओबीसी से हों तो 36% मार्क्स हों और पीडब्ल्यूडी से हों तो 38% एग्रीगेट क्लास 12th में आपके मार्क्स होने चाहिए। ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम दोनों का क्राइटेरिया है। कोर्स इंग्लिश ऑनर्स ऑफर किया जाता है एसओएल में। इंग्लिश ऑनर्स की क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो जनरल वालों के लिए 65% मार्क्स आपके एग्रीगेट क्लास 12th में होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आपने इंग्लिश कोर पढ़ी है, और 65% मार्क्स इंग्लिश पे होने चाहिए अगर आपने इंग्लिश फंक्शनल या इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है क्लास 12th में, ठीक है, सॉरी इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है क्लास 12th में, तो आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इस कोर्स में इंग्लिश ऑनर्स में वोकेशनल स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यही मार्क्स की रिक्वायरमेंट एससी एसटी के लिए सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए। ओबीसी के लिए एग्रीगेट परसेंटेज एटलीस्ट होनी चाहिए 58.5 क्लास 12th में, और अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा है तो उसमें 67.5% मार्क्स आपके होने चाहिए। सिमिलरली इसमें पीडब्ल्यूडी में 61.75 एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में 71.25% मार्क्स आपके होने चाहिए, और इंग्लिश इलेक्टिव पढ़िए तो 61.75% मार्क्स आपके होने चाहिए। वोकेशनल स्ट्रीम वाले कैंडिडेट अलाउड नहीं हैं। बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स में एग्रीगेट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन के लिए मैथ्स मैंडेटरी नहीं है एसओएल में, ठीक है। एससी एसटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स, ओबीसी के लिए 49.5% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। याद रखिए अगर आप वोकेशनल स्ट्रीम से हो और अप्लाई करना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स में तो आप कर सकते हो, लेकिन इसकी परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाएगी। वोकेशनल वालों के लिए 60% जनरल में चाहिए, ओबीसी में 54% चाहिए, बाकी पीडब्ल्यूडी में जनरल वालों को 52.5% चाहिए और जो वोकेशनल स्ट्रीम के हैं उनको 60% मार्क्स चाहिए। मेडिकल साइंस ऑनर्स है, इसमें एडमिशन के लिए जनरल वालों को 50% मार्क्स चाहिए, एससी एसटी वालों को पासिंग मार्क्स, ओबीसी वालों को 45% मार्क्स और पीडब्ल्यूडी वालों को 47.5% मार्क्स। और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में भी वोकेशनल स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एसओएल में वोकेशनल स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है, बाकी जब फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फ़ीस अगर ओवरव्यू दे दूँ, एसओएल की एक साल की फ़ीस 4,040 रुपये होती है, एनसीवेब की लगभग 3,500 रुपये एक साल की फ़ीस होती है, ठीक है। बाकी एनसीवेब में एग्जामिनेशन फ़ीस ले लेते हैं अलग से हर सेमेस्टर में, तो लगभग इसकी भी फ़ीस लगभग 4,000 ही बैठ जाती है एक साल की। तो यही मानकर चलो कि 4,000 से 4,100 रुपये दोनों ही अगर ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 4,000 रुपये ही फ़ीस रहेगी। बाकी एसओएल में जो एडमिशन है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ओपन है, और इंडिया के किसी भी कोने से आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी एनसीवेब में जो एडमिशन होते हैं वो सिर्फ गर्ल्स के होते हैं, और वो भी सिर्फ उनके होते हैं जो दिल्ली डोमिसाइल की गर्ल्स हैं, जिनके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जब भी एडमिशन प्रोसीजर इन दोनों ही ब्रांचेस में शुरू होंगे तो उसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।